मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में फिर एक बार तापमान में तेजी देखी जा रही है, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल अलीशा, देखिए रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में 43 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है और मुंगेली सबसे ज़्यादा तापमान वहां पर दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रायपुर में बीते दिनों तूफान की वजह से जो तापमान है उसमें भारी गिरावट आई थी, लेकिन जब तूफान का असर कम हुआ तो अब फिर से लोगों को गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। जो रायपुर का तापमान है वो 43 डिग्री तक पहुँच चुका है और इससे भी आगे बढ़ने की संभावना तापमान को लेकर मौसम विज्ञानी ने जताई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन आगामी दिनों में जो तापमान है उसमें वृद्धि देखी जा सकती है। देखिए सुप्रिया, उमस से लोगों का हाल बेहाल है, एक तरह से गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है, तो मौसम वैज्ञानिक ने क्या कुछ चेतावनी दी है लोगों को? बिल्कुल अलीशा, देखिए मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गर्मी में लोग अब दोपहर के समय में कम ही निकलते नज़र आ रहे हैं, अगर कोई आवश्यक काम है तो ही लोग घर से बाहर निकलते नज़र आते हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा होता है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी भी दी जा रही है कि 12 बजे से जो है 4 बजे तक की कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले, तो इस वजह से जो लोग हैं वो आवश्यक काम से ही घर से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा मौसम विज्ञानी ने लोगों को सलाह है कि समय समय पर जो पानी है उसका सेवन करते रहें और अपने साथ तरल पदार्थ रखे रहें ताकि जरूरत पड़ने पर उसका सेवन जो है वो लगातार वो करते रहें। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अब तापमान तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।